हेलो, मैं हूँ लिपि। मैं रहती हूँ फिनलैंड में और आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं वॉशर फ्लूइड रिफिल करने का। तो हमारी गाड़ी की वॉशर फ्लूइड जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म नहीं हुई है, इट्स शोइंग लो। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो चलिए बोनेट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारी BMW की X1 कार है और इसमें नीचे में लेफ्ट साइड पे एक लीवर दिया गया है जिसे आपको अपने साइड 2 बार पुल करना है। ये आप पैर से कर सकते हो ऐसे 2 बार पुल, या फिर हाथ से 2 बार कर सकते हो। और नाउ अभी हमारी बोनेट ओपन हो चुकी है। ये हमारी कार बहुत गंदी हो चुकी है अंदर से। और ये रहा जहाँ हमें वॉशर फ्लूइड डालना है। तो मोस्टली कार में वॉशर फ्लूइड के लिए ऐसे ही नीले कलर का ढक्कन के साथ एक बॉक्स आता है जिसके अंदर से ये वॉशर फ्लूइड अंदर जाएगा। तो हमने ये वॉशर फ्लूइड लिया है यहाँ के नॉर्मल सुपरमार्केट से। ये 5 लीटर का है और ये -20 डिग्री पे भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो ये टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है यहाँ के लिए कि ये विंटर में काम करेगा या फिर नहीं। तो चलिए अब हम ये नीली कैप को ओपन करते हैं और इसमें वॉशर फ्लूइड फिल करते हैं। बी केयरफुल। वॉशर फ्लूइड हो चुका है फुल, आप देख सकते हो। अब हम बंद कर देते हैं इसे। अब हम वॉशर फ्लूइड फिल कर चुके हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।